हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट इज डीपा। फ्रेंड्स, हमारे सीजन में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के फ्रेमवर्क कोडिंग नाइटर करते हुए। तो आई से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो यूट्यूब पर प्रॉपर सीजन नहीं लगाते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सभी ट्यूटोरियल के सभी पार्ट एक सीरीज में अवेलेबल है, तो आप उन्हें यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। तो आइए हमारा ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हैं। तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके अटेंडेंस सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने इसकी स्टेटिक डिज़ाइन बनाई थी। पहली थी हमारा ये वाला पेज, जिसमें यहाँ पर सारी क्लासेस हमें डिस्प्ले कराना है। देन इसके बाद अंदर है हमारा, जिसमें हम स्टूडेंट के का नाम और उसकी अटेंडेंस शो करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से इसे जो क्लास के नाम है वो डिस्प्ले कराते हैं। तो हम चलते हैं हमारे अटेंडेंस नाम के कंट्रोलर पर। तो मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, तो हम कंट्रोलर सॉरी फोल्डर गलत हैं, तो चलते हैं SMS देन एप्लीकेशंस कंट्रोलर देन अटेंडेंस। तो ये हमारा इंडेक्स फंक्शन है। यहाँ पर हमें सारी क्लास के नाम लाने हैं, तो हम यहाँ एक डेटा नाम का एक एरे बनाएंगे। इसके अंदर देंगे क्लासेस, देन यहाँ पे हम देंगे $this CM। हम देख लेते हैं हमारा मॉडल क्या चल रहा है अदर फंक्शन के अंदर। तो हमारा चल रहा है यहाँ पर कैपिटल CM चल रहा है, देखिए कैपिटल CM। देंगे सेलेक्ट डेटा, देन इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमारे टेबल का नाम क्या है। तो हमारे टेबल का नाम है क्लासेस कॉमा स्ट्रिक्ट। देन इस डेटा को हम यहाँ पे असाइन करेंगे क्लासेस को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और चलते हैं हमारे अटेंडेंस नाम के व्यू पर। तो हम चलेंगे व्यू में अटेंडेंस डॉट पी एच पी, देन यहाँ पर हम से हटाएंगे। तो स्टार्ट डेट को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इससे भी हम इसे रिमूव करते हैं। देन यहाँ पर हम डेटा डिस्प्ले कराएंगे। अब क्लास, देन यहाँ से हम इसे देंगे और यहाँ पर हम इसे डिस्प्ले कराएंगे सेव। देन यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे i=1, जो इसकी इंडेक्सिंग करेगा। तो यहाँ पर आते हैं, देन यहाँ पर हम देंगे a को $i। देन यहाँ पर हम देंगे क्लास का नेम, तो यहाँ पर आएगा $class के अंदर यहाँ पे आएगा इसका क्लास का नेम। देन इसके बाद ये हमारा जो परसेंटेज नेम है स्टैटिक रखेंगे। देन परसेंट, क्योंकि अभी हम इसमें ऐड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हम जब अटेंडेंस ऐड हो जाएगी उसके बाद ही हम इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे कितने परसेंट टोटल स्टूडेंटों की में से किसकी कितनी अटेंडेंस है। तो अभी हम इसे यहाँ पर ब्रेक करके इसे यहाँ पर स्टैटिक रखेंगे। देन हमारा पूरा अटेंडेंस सेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसे हम डायनेमिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लास का नाम शो करा दिया है। देन इसके बाद ये हमारा आगे जो बटन है आई का, इसे हम एग्जीक्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट लिस्ट स्लैश और जो क्लास का जो डॉट जो हमारी क्लास का नेम आ रहा है, तो हम यहाँ से आईडी दे देंगे, बाद में हम इसे नेम पिक कर लेंगे। यहाँ से क्लास की आईडी हम पास करेंगे, देन हम इसे स्टूडेंट लिस्ट पर रिसीव करेंगे। तभी हम करते हैं इसे रिलोड। तो देखिए सेकंड, और ये आ रहा है, लेकिन ये देखिए डाटा नेट अवेलेबल आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर शायद बॉडी जो इसकी क्लोज के बाहर वर्क करा है, इसलिए। तो इसे हम ऐसा हटाएंगे और बॉडी को सबसे लास्ट में क्लोज हो रही है, तो कोई बात नहीं, हमारा काम हो रहा है। देन ये देखिए सेकंड, और ये हमारा जो 60% है ये भी स्टैटिक है। तो ये हमारी क्लास डिस्प्ले हो गई है। देन हमारा अगला टास्क ये होगा कि अब हमने यहाँ पर क्लास की आईडी मिल रही है हमें पर्टिकुलर, तो अब इस क्लास की आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें स्टूडेंट उसके शो कराने हैं। वो एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट को डिस्प्ले कराना है।
तो यहाँ पर वो स्टूडेंट शो होगा, देन उसके बाद उसकी अटेंडेंस मैनेज होगी। तो फ्रेंड्स अभी किस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसके अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।